दुनिया भर में कई मोर्चों पर युद्ध लड़ा जा रहा है। एक ओर सालों से चल रहा रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध, तो दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग। इस बीच कई दिनों से सीरिया से भी जंग की खबर है। सीरिया में जंग का दूसरा मोर्चा भी अब खुलता नजर आ रहा है। यूक्रेन में युद्ध के बीच रूस ने अब सीरिया में भी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रपति बशार अल असद के समर्थन में रूस ने अलेपो में विद्रोही समूहों पर बड़े पैमाने पर हमला किया। ये कदम विद्रोहियों द्वारा राजधानी अलेपो पर कब्जा करने की कोशिश के बाद उठाया गया है। रूस के रक्षा मंत्री ने इस हमले को असद सरकार की रक्षा और विद्रोहियों को खदेड़ने की कार्रवाई बताया। सीरिया में अलेपो पर विद्रोहियों के कब्जे और हामा प्रांत और दूसरे इलाकों में उनके बढ़ने से गतिविधियां तेज है। विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में रूसी और सीरियाई लड़ाकू विमान लगातार बमबारी कर रहे हैं। ताजा बमबारी में रविवार को 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। जमीनी जवाबी कार्रवाई में 400 विद्रोहियों को मारने का सरकारी सेना ने दावा भी किया है। इस बीच ईरान समर्थित मिलिशिया इराक से सीमा पार कर सीरिया में दाखिल हो गई है। वो वहां पर विद्रोहियों से लड़ाई में सरकारी सेना का सहयोग करेगी। हालात पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी समकक्ष मसूद पेजेश्किन से फोन पर बात की है। दोनों राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर साथ मिलकर काम करने की बात कही है। रूस ने कहा है कि सीरिया की बशार अल असद सरकार को उसका समर्थन जारी है, जरूरत के मुताबिक सीरिया को सैन्य सहायता दी जाएगी। ईरान ने भी सीरिया की हर तरह से मदद करने का ऐलान किया है। रूस और सीरिया के विमानों ने विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब शहर पर बमबारी की थी। हवाई हमले में मारे गए लोगों में 10 बच्चे भी हैं। वहीं तुर्की की सीमा के नजदीक विद्रोहियों के कब्जे वाले इस शहर में करीब 40 लाख लोग अभावों के बीच अस्थायी आवासों में रह रहे हैं। सरकारी सेना ने दावा किया है कि जमीनी लड़ाई में उसने विद्रोहियों को पीछे धकेल कर कुछ जमीन उनसे मुक्त करा ली है। जबकि अलेपो के लोग सरकारी सेना की इस तरह से शहर छोड़कर भागने से हैरान है। बहुत सारे लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं, जबकि बाकी लोगों को लग रहा है कि उन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने सभी पक्षों से सीरिया में तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। जॉर्डन और इराक ने विद्रोहियों से लड़ रहे सीरिया के समर्थन का ऐलान किया, जबकि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने अबू धाबी आए सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से सीरिया सहित इलाकों के दूसरे मुद्दों पर बात की। विद्रोहियों के इस तरह से चंद रोज में अलेपो पर कब्जे के बाद से सीरिया में रूसी सेना के प्रभावी जनरल सरगई किसेल को भी हटा दिया गया है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में एक और नए मोर्चे पर जंग की शुरुआत होती दिख रही है और इसके सेंटर में है सीरिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।